ठीक है। ये देखो आपको चारों तरफ आपको ड्राई फ्रूट्स, मसाले, इस तरह की आइटम देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अंदर चलते हैं, ये यहाँ से मान लो नाम क्या रहेगा इसका? ये अमेरिकन है सर, सोनोरा। सुनोरा कश्मीरी बादाम होता है ये, कश्मीरी बादाम। हाँ, ये 320 नंबर है, 320 नंबर है। हाँ, 320 दाना वाइट भी है। हाँ, ये वाइट दाना होगा, ये थोड़ा छोटा दाना, ये मोटा दाना। ये देखो करीबन एक इंची काजू है, एक इंची बोला जा सकता है ना। ये अमेरिकन है, अमेरिकन गिरी। हाँ, ये अमेरिकन में इसमें तेल की मात्रा मोटा दाना होगा, ये थोड़ा छोटा दाना होगा। हाँ, दाने में ऑयल की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। अरे वाह, दबाते टूट गया। को आपको हाथ जरूर नहीं, ऐसे खाली यूं दबाना है। अरे वाह, हमारे पास ईरानी पिस्ता होता है। ईरानी पिस्ता। किसकी वजह से किशमिश अभी शुरुआत कहां से होती है किशमिश की? आप किशमिश देखिए, किशमिश हमारे पास छोटे दाने की भी मिल जाएगी आपको। हाँ जी, ये खीर में हलवे, ये काली मिर्च, काली मिर्च क्या रेट? ये देखो अंजीर। भाई क्या बात है भैया। तो भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ हमें देखने मिली बहुत सारी दालें, ठीक है। आप जिसने मैंने दिखाए तो ये कितनी पड़ी भाई? 60 रुपए किलो। ये तो मटर है ना? ये 60 रुपए किलो है। ये 60 रुपए किलो मटर पड़ेगा। तो भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ भैया हमें मसाले देखने मिले, और भैया काफी सारे मसाले, ठीक है। साबुत मसाले भी हैं और पिसे हुए मसाले भी हैं, ठीक है। पाउडर कितने पड़ेगा? पाउडर आपको तो पड़ जाएगा 150 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो है, जैसा क्वालिटी अलग अलग रेंज है। तो भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ भैया मुझे मैक्रोनी देखने मिली, ठीक है, पास्ता, और ये भैया इसको क्या बोलते हैं? तो भाई हमें यहाँ पर इस तरह काला नमक भी देखने को मिला, ठीक है। काला नमक पता करते हैं किस किस मटर क्या रेट पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुण ब्लॉग पे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अरुण वशिष्ठ आज आपको एक बार दोबारा लेके आ गया सदर बाजार पीलीकोठी। भाई आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं सदर बाजार का क्षेत्र है भाई, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इसको पीलीकोठी बोला जाता है, और भाई पुल मिठाई बोला जाता है। यहाँ आपको बहुत ही सस्ते रेटों पर ड्राई फ्रूट, मसाले, दाल, चावल, इस तरह की आइटमें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, होलसेल और रिटेल दोनों के अंदर। तो भाई अंदर चलते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या प्राइस देखने को मिलता है, सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन आपको 30 हज़ारी पड़ेगा, पुल मंगस पड़ेगा, वहाँ से आप ई रिक्शा लेके यहाँ पर आ सकते हैं। और मार्केट खोलने का समय 11:00 बजे से 7:00 बजे तक है, आप इस बीच कभी भी आ सकते हैं। और भैया ये मार्केट 7 दिन खुली रहती है। तो चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर हमारी ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो भाई हम अपनी वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको दिखा दूं मार्केट किस तरह की लगती है, ठीक है। ये देखो आपको चारों तरफ आपको ड्राई फ्रूट्स, मसाले, इस तरह की आइटम देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो अंदर चलते हैं, ये यहाँ से मान लो मैं यहाँ से आया था, ठीक है, 30 हज़ारी मेट्रो स्टेशन से, और मुझे यहाँ ई रिक्शा ने उतारा, तो मैंने यहाँ से वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ किस तरह की मार्केट रहती है, उसके बाद फिर हम चलते हैं किसी के पास प्राइस वाइज पता करना है। देखो चारों तरफ आपको ड्राई फ्रूट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं किसी भाई के पास और पता करते हैं प्राइस वाइज। तो भाई यहाँ चलते हैं और यहाँ पता करते हैं यानी कि ड्राई फ्रूट्स के प्राइस। भैया ने बहुत चीज़ रखी हुई है, मसाले भी रखे हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स भी रखे हुए हैं, तो बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे किस किस प्राइस की ये चीज़ें यहाँ हमें देखने मिलती हैं, क्वालिटी भी चेक करेंगे। तो उससे पहले भैया को ना हम लगा देते हैं माइक, ठीक है, और भैया से परिचय लेते हैं। भैया आपका क्या नाम रहेगा दुकान का? आपका क्या नाम रहेगा दुकान का? नाम है आज़ाद ड्राई फ्रूट। आज़ाद ड्राई फ्रूट जी। और आपका शुभ नाम क्या रहेगा जी? आज़ाद। आज़ाद हमारे भाई हैं और आज़ाद ड्राई फ्रूट्स के नाम से इनकी शॉप है, ठीक है। तो भैया जी आप किस किस चीज़ में डील करते हैं? क्या सर हमारे पास ड्राई फ्रूट में सारे आइटम मिलेंगे, सारे अवेलेबल मिलेंगे आपको, सब कुछ मिलेगा। काजू से लेके बादाम से लेके पिस्ता से लेके अखरोट गिरी सब कुछ मिलेगा। आप यहाँ से शुरू करते हैं, ये देखो ये गोला है मां, ये गोला है, गोला 140 रुपए किलो, गोला 140 रुपए। जैसे अब दिवाली आ रही है, दिवाली दूसरे तीसरे दिन ही है, अब यानी भैया दूज आता है। हाँ जी। तो ये 140 रुपए किलो आपको मिल जाएगा। मान लो ये दिवाली तक आते थोड़ा और महंगा हो जाएगा, 10-20 ऊपर हो ही जाता है। चलो ठीक है, ये भी देखते हैं। सबसे पहले हम बादाम शुरू करते हैं। बादाम आपके किस किस क्वालिटी के हैं? बादाम देखिए सर, एक ये है, ये ड्राई माल होता है। ये क्या माल है? ड्राई माल होता है, ड्राई मतलब इसमें तेल कम होता है। तेल कम होता है, ठीक है। ये किस तरह पड़ेगा? ये सर 600 रुपए किलो है। 600 रुपए किलो। हाँ, 600 रुपए किलो, ठीक है। और नाम क्या रहेगा इसका? ये अमेरिकन है सर। अमेरिकन, हाँ ठीक है। और ये होता है सर आपका सोनोरा। में इसके अंदर ऑयल की कैंटिंग बहुत ज्यादा होगी, ऑयल ज्यादा होता है, ऑयल की सबसे ज्यादा होती है। ये देखो इसमें ऑयल इसमें ज्यादा मिलता है, ठीक है। और इसमें ड्राई वाला बताया भैया, ड्राई होता है। ये कितना पड़ेगा यार? ये सर जी 650, ये 50 रुपए फर्क आएगा। 50 का फर्क, क्वालिटी का अंतर बता रहे हैं सर। हाँ। ये तो आपको मार्केट में मिल भी जाएगा 500-550, मगर वो क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी, वो चीज ऐसी। इससे ऊपर अगर जाते हैं तो, इससे बढ़िया जाते हो तो ये देखिए सर,
यानी कि क्वालिटी भी इसमें काफी आती है बादामों के अंदर, क्वालिटी बहुत ठीक है हमारे पास। ये भैया ने बताया था एक बार शायद 600-650 रुपए भैया ने प्राइस बता चुके, ठीक है। ये कश्मीरी बादाम होता है, ये कश्मीरी बादाम। हाँ, ये किस में पड़ेगा? ये सर जी मार्केट में लोगे 800-850-900 का रेट है, हमारे पास 700 रुपए के, मात्र 700 रुपए। बहुत बढ़िया, 700 रुपए भैया ने बताया, ये सबसे बढ़िया थिंग बादाम होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम जाते हैं, इसके अंदर साबुत बादाम भी तो आता है ना, वो छिलके वाले। हाँ, छिलके वाले, वो किस तरह पड़ते हैं वो? ये सर दिखा, भाई छिलके वाले बादाम भी दिखाए थे, ठीक है। पहले तो हम सबसे पहले ये खाया करते दांत से तोड़ के, ये है छिलके वाले। ये क्या, जैसे अमेरिकन बादाम होता है ना, हाँ। वो निकलता है इसमें। अच्छा, ये कितने पड़ेगा? ये सर जी केवल 400 रुपए किलो है। 400 रुपए किलो बादाम मिलेगा? हाँ, 400 रुपए। बहुत बढ़िया। ये इसके अंदर गिरी निकलता है, आप देख सकते हो, ये गिरी इसके अंदर काला गिरी निकलता है, मगर खाने में मीठा। चलो कोई बात नहीं, मुझे पहचान गए, ठीक है। 400 रुपए किलो, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं काजू पे। काजू किस प्राइस शुरुआत होता है? काजू सर जी आप जितना नंबर छोटा लोगे ना, उससे महंगा होगा। हाँ, वो जैसे तो होगी आपका 300 नंबर, 300 नंबर लोगे 600-620 ऐसे रेट मिलेगा। जैसे कि हमें यहाँ बहुत दिख रहा है काजू की क्वालिटी बहुत। ये देखिए, ये हमारे पास ये 320 नंबर है। 320 नंबर है? हाँ, 320 नंबर। ये किस प्राइस पड़ेगा? 600 रुपए किलो है। कितने? 600 रुपए, मात्र 600 रुपए किलो पड़ेगा 320 नंबर, ठीक है। और दिखाते हैं आपको, और भैया क्या दिखाते हैं वो देखते हैं। ये देखिए आप, ये किस प्राइस पड़ेगा? ये सर जी ये 300 नंबर है। ये 650 रुपए किलो। ये 650 रुपए किलो पड़ेगा। 650 रुपए, ठीक है। और 240 नंबर लीजिएगा दुकान में, अगर लेते हो 800-850 का रेट है इसका। ये देखो क्वालिटी, देखिए इसमें दाने दाने में देखिए कितना फर्क होगा। ये दाना व्हाइट भी है। ये व्हाइट दाना होगा, थोड़ा छोटा दाना, ये मोटा दाना। ये क्या रेट पड़ेगा? ये मार्केट में लोग 800-850, मगर हमारे पास 700 रुपए के। 700 रुपए, आप अपना बताओ, मार्जिन छोड़ो, ये 700 रुपए। 700 रुपए। और ये टुकड़ा कितने पड़ेगा? ये टुकड़ा सर जी ये दो फाड़ है हमारे पास। दो फाड़ कितने पड़ेगा सर जी? ये 600 रुपए किलो है, मगर आप आते हैं तो 550 रुपए। 550 रुपए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इससे अच्छी भी कोई रेंज आती है काजू की? हाँ, इससे और अच्छी है, 180 नंबर काजू है। अरे भाई वो दिखाओ, कितना बड़ा, इतना बड़ा काजू पीस दिख रहा है यार, वो तो आपने दिखाया नहीं। काजू भाई, काजू की बहुत सी रेंज है भैया। ये जो दिखा रहे हैं भैया, ये वाकई में खतरनाक है, इतना बड़ा पीस दिखा रहे हैं, ठीक है। दूर से तो काफी बड़ा। अरे यार देखिए आप, पहले ये देखो, करीबन 1 इंची काजू है, 1 इंची बोला जा सकता है ना। ये 180 नंबर सबसे छोटा नंबर होता है, 180 नंबर का। हाँ, मोटा साइज का होता है, बड़ा साइज। ये क्या नंबर, कितने पड़ेगा भाई? ये सर जी ऐसे मार्केट में लेते हो आपको 1000-1100 से नीचे नहीं। हाँ, है ये 900 रुपए किलो। ये मात्र 900 रुपए किलो ये गला काजू रहेगा, जो कि सबसे A1 क्वालिटी है। हाँ, साइज आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही काजू की बात, ठीक है। अब हम जाते हैं गिरी पे। ये गिरी हो गया गला अपना? अखरोट गिरी नहीं, अखरोट गिरी दिखाते हो। ये देखिए अखरोट गिरी, देखते हैं किस किस प्राइस की भैया रखते हैं। ये अमेरिकन है, अमेरिकन गिरी। हाँ, ये कि, अमेरिकन में इसमें तेल की मात्रा कम होती है। अच्छा अच्छा। और कश्मीरी अखरोट जो होता है ना ये, हाँ ये कश्मीरी अखरोट गिरी अखरोट। हाँ, है ये कश्मीरी। इसमें देखिए फर्क देखिए इसका, ये मोटा दाना होगा या थोड़ा छोटा दाना होगा। हाँ, दाने में फर्क। ऑयल की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, क्वांटिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। देखिए अरे वाह, दबाते ही ऑयल निकल रहा बाहर। ये क्या प्राइस बढ़ेगा ये ना? ये सर जी ऐसे बेचने का तो 1000-1200 बेचते हैं, मगर आपको लगेगा 900 या 800 रुपए और 900 रुपए। मगर मार्केट में अगर आप लेते हो तो यहाँ आपको 700-600 रुपए किलो भी मिल जाएगी। हाँ, मगर क्वालिटी हल्की होगी, हल्की वो चीज है। कहते हैं शरीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, 150 लग जाए मगर बढ़िया चीज। बिल्कुल बढ़िया चीज है ये तो। ये रही साबुत कितने का आता है? साबुत सर जी मार्केट अगर ये लेते हैं 400 रुपए किलो से स्टार्ट होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 400 रुपए किलो आपको दिखाते हैं। 400 रुपए किलो से अखरोट शुरू होता है ना? शुरू होता है अखरोट 400 रुपए किलो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। 400 से स्टार्ट है, 550 तक। 550 रुपए। ये वो कागजी है ना, जो तोड़ के देखो एक बार। ये भैया ये देखो, ये देखो ऐसे नहीं, कैसे होगा आप ऐसे लगा, मैं उल्टे हाथ से तोड़ रहा था। अरे वाह, दबाते टूट गया, टूटेगा। अरे वाह, और बढ़िया जो मेरे एक हाथ में कैमरा था, मैं राइट हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड से तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे से टूटा नहीं, भैया ने 1 मिनट में तोड़ दिया। ये देखो, ये कितने पड़ेगा? कश्मीरी अखरोट गिरी होता है ये, कश्मीरी अखरोट। ये इसको आपको हाथ जरूर नहीं, ऐसे खाली यूं दबाना है। अरे वाह, यूं टूटेगा, ऐसा गिरी निकलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह के ये गिरी है 400 रुपए, 400 से लेके 550 तक हमारे पास अवेलेबल है। बढ़िया, ठीक है। और आगे देखते हैं और क्या क्या रखते हैं भैया, ठीक है। इसके बाद और ये तो रही ड्राई फ्रूट्स की बात भैया, एक वो आता है ना पिस्ता। पिस्ता पिस्ता पिस्ता, पिस्ता क्या रेट पड़ेंगे आपके पास? पिस्ता तो भैया पिस्ता भी रखते हैं, पिस्ता पता करते हैं किस किस प्राइस का पिस्ता मिलेगा। पिस्ता दिवाली यही चीजें हैं जो ज्यादातर चलती है, काजू बादाम पिस्ता किशमिश, ठीक है। ये देखो
ये हमारे पास ईरानी पिस्ता होता है, ईरानी पिस्ता एक पिस्ता होता है डबल रोस्टेड। हाँ, वो डबल रोस्टेड जैसे पुराना माल होता है। हाँ, उसको डबल रोस्टेड करके उसको बेचा जाता है। बहुत तो वो आपको 1,000-1,500 ऐसे मिल जाएगा। हाँ, मगर ये मार्केट में लेते हो 1,400-1,500 नीचे नहीं है, मगर आप आते हो 1,100 रुपए किलो, 1,100 रुपए 11, मगर चीज की रेड वाला है, बिल्कुल रेड वाला ईरानी पिस्ता, ईरानी वाला है। ठीक है, और देखते हैं भैया इसके बाद और क्या क्या मिलेगा। हाँ, अच्छा भैया किशमिश हमने पता किया, किशमिश देखिए ना सर, किशमिश हमने पता नहीं किया ना। हाँ, किशमिश पता करते हैं, किस किस तरह की किशमिश है भैया, शुरुआत कहाँ से होती है किशमिश की? आप किशमिश देखिए, किशमिश हमारे पास छोटे दाने की भी मिल जाएगी आपको। हाँ जी, ये खीर में, हलवे में, हर चीज में आपको डाली जाएगी। ये कितने? 200 रुपए किलो। ये लोगे थोड़ी ऊंची दाने की है, 280 रुपए किलो है, मगर आपको पड़ेगा 240 रुपए। 240 रुपए। ये वाली? ये 220 रुपए किलो। 220 रुपए। बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये काली मिर्च क्या रेट है? काली मिर्च का रेट तो अभी रेट बढ़ा हुआ है। हाँ, मार्केट में 800-850 रेट है, मगर हमारे पास 750। 700 रुपए। हाँ, अभी मखाना के रेट बढ़ेगा? मखाना इससे छोटे दाने में लीजिएगा ना तो 480-500 रुपए किलो मिल जाएगा। हाँ, मगर हमारे पास 550 रुपए किलो। 550। ये क्या होता है, फुल मखाने होते हैं। हाँ, एक होता है ठुड्डी मखाना। हाँ, वो आपको 450-480 में मिलेगा, मगर हमारे पास ये 550 रुपए किलो मिलेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, और भैया ये जीरा कैसा पता पड़ेगा? जीरा भाई साहब 700 रुपए किलो है। 700 रुपए। और ये साबुत धनिया 120 रुपए किलो। और ये हल्दी, साबुत हल्दी? हल्दी 160। दिखाएंगे हल्दी कैसी है। हाँ जी, तो भैया ये हल्दी जो है क्या बताया आपने, 160 रुपए किलो। ठीक है, और बहुत से और पूरे मसाले मिल जाएंगे हमारे पास, पूरा टोटल मसाला, शादी ब्याह का, घर का मसाला, सब मसाला। आजकल बॉडी बिल्डिंग वाली डाइट चल रही है, वो भी अवेलेबल है हमारे पास। बना लेते हो? बिल्कुल, आपके हाथों हाथ बना के देंगे। सुबह का नाश्ता जो होता है, वो क्या रेट पड़ेगा सुबह का नाश्ता जो होता है? केवल 750। 750 रुपए के हिसाब से वो क्वान्टिटी की बात होता है, जो जितना माल डालोगे उस हिसाब से वो पड़ जाएगा। माल एक नंबर डालेंगे, क्वालिटी के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्वालिटी में हमारे पास क्वालिटी बढ़िया मिलेगा, चीज बढ़िया मिलेगा। चलो बहुत बढ़िया। और देखिए एक चीज और, अंजीर। क्या अंजीर? अरे भाई अंजीर तो हमने पता ही नहीं कि अंजीर तो मेन चीज है यार बॉडी बिल्डिंग के अंदर। ये देखिए, ये देखो अंजीर भाई, क्या बात है भैया, अंजीर निकाल रहा है। ये कितने पड़ेगी भैया? ये अंजीर जो खाएगा अंजीर तोड़ देगा जंजीर। अरे वाह, ऐसा चीज है ये। ये देखो, ये डाइट में भी डालते हैं हम। हाँ, डाइट में पूरा आइटम डलेगा ये। ऐसा हाँ, वैसे अंजीर अगर लिया जाए तो खाली मार्केट में लेते हो 800-900 हजार है, जैसा क्वालिटी लोगे। हाँ, छोटे दाने का लोगे 600 से स्टार्ट है, आप मोटे दाने के लोगे 1,000 तक है। तो छोटा दाना 600-700, हमारे पास लेते हो तो 850। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। केवल मोटे दाने का है, मोटे दाने का अंजीर है। ठीक है, तो इस तरह का अंजीर रहता है। तो भैया जी, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आना चाहे तो कैसे है, अपना विजिटिंग कार्ड दिखा सकते हैं? सर, हाँ, हाँ, तो भैया का मैं विजिटिंग कार्ड दिखा देता हूँ, आप आ सकते हैं और अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से आप अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। ये देखो, ये भैया का विजिटिंग कार्ड है। ठीक है, आजाद ड्राई फ्रूट। हाँ, आजाद, आपको एड्रेस सब कुछ दिख रहा होगा, टोटली चीज दिख रही, आप आ सकते हैं, आप आकर आप अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। और आगे देखते हैं हमें और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है खास इस मार्केट में। तो भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ हमें देखने को मिली बहुत सारी दालें। ठीक है, आप देखते हैं, मैंने दिखा देता हूँ, दालों की इतनी रेंज है, इतनी वैरायटी है यार, तो पूछो मत। तो भैया बातचीत करेंगे भाई, किस किस प्राइस की ये दालें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले आप ना माइक लगा लो, आपको थोड़ा माइक लगाता हूँ ताकि आपकी आवाज़ है ना हम तक साफ हो सके। तो भैया सबसे सस्ती दाल कौन सी है? मिक्स दाल। हाँ, मिक्स दाल है। ये कितनी पड़ी भाई जी? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो मात्र ये दाल पड़ने वाली मिक्स दाल है। ठीक है, इसके बाद आता है चना दाल, ये कितनी पड़ी भाई जी? 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। ठीक है भाई जी, ये चना जो साबुत चना, ये 70 है या 80 रुपए किलो? ये 70 रुपए या 80 रुपए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और ये जो राजमा भैया जी, ये 80 रुपए किलो है। 80 रुपए किलो। ठीक है, 90 है। ये 90 रुपए। हाँ, और ये वाली? ये 100 है। ये 100 वाली। और ये वाली आगे? 120 है। 120। कई रेंज है राजमा के ना। हाँ, क्वालिटी होते हैं सर, क्वालिटी की बात होती है। और ये मूंगफली दाना कितने पड़ेगा भाई जी? 140 रुपए। 140 रुपए। और ये मूंग छिलका भैया जी? 110 रुपए। 110 रुपए किलो। हाँ, और ये कौन सी दाल है भैया जी? ये उड़द धुली हुई। ये कितनी पड़ेगी भैया जी? 110। 110। और ये मूंग धुली? हाँ, ये भी 110 है। 110। और ये कौन सी भैया जी? ये उड़द धुली है। ये कितनी पड़ेगी भैया जी? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। ठीक है, और भैया जी ये कौन सी दाल है? ये मसूर की दाल है, लाल वाली। ये कितनी पड़ेगी भाई जी? 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। ये कौन सी भाई जी? ये मसूर का ही छिलका वाला है। ये छिलका, ये कितनी पड़ेगी? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। ठीक है, और भाई जी ये कौन सी है? ये अरहर की दाल है। ये कितनी पड़ेगी भाई जी? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। और भैया जी ये वाली?
ये 90 है। ये भी हरड़ी है? हाँ, है। ये चारों हरड़ी है। ये चारों हरड़ है। हाँ। और ये कितनी बड़ी? ये 100 है, 110 है। अच्छा, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्वालिटी का होता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे इसमें तो रकम छिलका इसमें ज्यादा है, इसमें वो बिना छिलके वाला है, वो पॉलिश का है। ये है पंगा। और भैया ये कितनी पड़ेगी? ये मसूर दाल है, 90 रुपए किलो। 90 रुपए किलो। हाँ चलो ठीक है, और आगे देखते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है। अभी जी ये सोयाबीन है? नहीं। हाँ, ये सोयाबीन के रेट पड़ेगा भाई 140 रुपए किलो। 140 रुपए किलो बता रहे हैं भैया सोयाबीन भाई बॉडी बिल्डिंग की बहुत काम आता है भाई जी। जिम वाले ले जाते हैं, जिम वाले ले जाते हैं। और भाई जी ये तो मटर है ना? हाँ, ये 60 रुपए किलो है। ये 60 रुपए किलो मटर पड़ेगा, ठीक है। और भाई जी ये क्या चीज है? कुल्थी दाल है, पतली वतली में काम आते हैं। किसमें? पतली, जैसे पेट में पतली वतली हो जाता है वो गलाने में काम आते हैं। क्या नाम क्या इसका? कुल्थी। कुल्थी ये कितना पड़ेगा भैया जी? 140 रुपए। ये राजमा भैया जी? ये 100 रुपए किलो है। 100 रुपए राजमा तो वहाँ भी रखे थे काफी सारी ना? ये अलग क्वालिटी, ये प्लेन चित्रा है। ये प्लेन है। और भैया जी ये लोबिया है? लोबिया हुआ है। ये लोबिया क्या रेट पड़ेगा? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। चलो और देखते हैं। और भैया जी ये वाली दालें क्या, ये कौन क्या रेट है? ये अरहर की छिलका वाली है, 130 रुपए किलो। 130 रुपए। ये अच्छी क्वालिटी में? हाँ, ये अच्छी क्वालिटी में। और भैया जी ये वाला? ये पटका अरहर है, 140 रुपए का। 140 रुपए। और भैया जी ये क्या चीज है? ये मोट का दाल है। ये क्या रेट पड़ेगा? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो, ठीक है। और ये साबुत मूंग? ये 110 है। 110 रुपए किलो है। और भैया जी ये क्या चीज है? 60 रुपए किलो है। क्या चीज है? मटर। मटर। और ये लोबिया भैया जी? 100 रुपए किलो। 70 लोबिया, 100 रुपए किलो। और ये तो ये वाला भैया जी? ये उड़द साबुत है, 110 है। 110 रुपए किलो। और भैया जी ये सफेद चने? 140 है, 130 है, 120 है। 140, 130, 120 ये बता रहे ना आप? हाँ, तीन क्वालिटी हैं इसमें। तो तीन क्वालिटी हैं भैया। भैया क्या जितनी भी दालें वाले थी ये सब चीज़ें मैंने सब चीज़ पता किया। भैया जी आपका नाम क्या है? दीपक नाम हुआ। दीपक भाई हमारे जो कि इस तरह की आइटमें भेज रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा भैया से मिलके, ठीक है। आप आ सकते हैं भैया जी। विजिटिंग कार्ड है कोई आपका? नहीं नहीं, ये सामने बता दो। अच्छा सामने भैया, सामने बता दो। ये सामने इनका बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। महारानी अवंतिका भाई का है, रोड का जो बोर्ड लगा हुआ है बिल्कुल उनके सामने बैठे भैया। बाकी अच्छा, ड्राई फ्रूट मसाले भाई लगाते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट मसाले भाई लगाते हैं, दोनों भाई काम करते हैं। वो अभी गांव की है ना, इसी वजह से बंदे। अच्छा लगा भाई से आपसे मिलके, और आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे, ठीक है। अच्छा लगा, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या देखने मिलता है खास इस मार्केट में। तो भाई यहाँ चलते हैं। यहाँ भैया हमें मसाले देखने मिले, और भैया काफ़ी सारे मसाले, ठीक है। साबुत मसाले भी हैं और पिसे हुए मसाले भी हैं, ठीक है। पाउडर भी मिल जाएंगे और साबुत भी है, इसको साबुत मिर्ची मिल जाएंगी। भैया बातचीत करते हैं, पता करते हैं, भैया को माइक लगाते हैं ताकि भैया की आवाज़ हम तक साफ हो सके। तो भैया जी ये जो मिर्ची है ये क्या रेट की पड़ेंगी आपको? यहाँ पे मिर्ची मिल जाएगा 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो? हाँ, मात्र 200 रुपए किलो आपको ये साबुत मिर्ची मिल रही है। 250 रुपए किलो, लेकिन हमारे यहाँ 200 रुपए किलो मिलेगा। 250 मिलता है, आप 200 दे रहे हो। 200 रुपए। अच्छा भैया जी ये जो पाउडर कितने का पड़ेगा? पाउडर आपको तो पड़ जाएगा 150 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो है, जैसा क्वालिटी। अलग अलग रेंज है, जैसे क्वालिटी है। मालूम वाले का 150 रुपए किलो, इधर वाले का 200 रुपए किलो। अच्छा ये कुटा हुआ है, पिसा हुआ है? हाँ, ये तो इधर वाले साबुत सारे मिर्च पिसवाते हैं। अच्छा ये 200-250 वाला है? नहीं, 200 रुपए किलो वाला। 200 और ये 150 वाला? वो 150 रुपए। और ये हल्दी भैया जी? वो हल्दी आपको पड़ेगा ये 30 रुपए पाव पड़ेगा, ये 100 रुपए किलो है, ये 150 रुपए किलो है साबुत हल्दी पिसवा के। 150 रुपए किलो। और भैया ये क्या चीज़ है? ये धनिया 120 रुपए किलो, ये 80 रुपए किलो है। ये 80 रुपए किलो है। और भैया जी ये क्या चीज़ है? ये गरम मसाला है। गरम मसाला का रेट दोगे? ये गरम मसाला आपको पड़ेगा 300 रुपए किलो मिलेगा। हमारे यहाँ से अगर तो 600 रुपए किलो, लेकिन हमारे यहाँ 300 रुपए किलो मिलेगा। अच्छा, और भैया जी ये क्या रेट दोगे? ये आमचूर है। ये क्या रेट दोगे? हाँ, हमारे यहाँ 50 रुपए किलो मिल जाएंगे। यहाँ पे 50 रुपए किलो आमचूर मिल जाएगा? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। और भैया जी ये क्या चीज़ है? ये छबीला होता है। ये क्या रेट देंगे? ये हमारे यहाँ 200 रुपए किलो मिलता है। 200 रुपए किलो। और भैया जी ये जो दालचीनी? दालचीनी देखो हर जगह आपकी रेट है 300-350, लेकिन हमारे यहाँ आपको मिलेगा 200 रुपए किलो का, इसका फिक्स रेट है। 200 रुपए का फिक्स रेट है। हाँ, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं भैया जी, ये सौंठ बोलते हैं इसको? सौंठ, हाँ सौंठ बोलते हैं। ये क्या रेट पड़ेगा? ये आप हमारे यहाँ पड़ेंगे 300 रुपए किलो। मार्केट का भाव 400 रुपए, लेकिन हमारे यहाँ 300 रुपए। और ये बड़ी इलायची? बड़ी इलायची सगर देखो मार्केट का भी भाव चलता है 1200-1300 चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ 1000 रुपए किलो मिलेगा। 1000 रुपए। और भैया जी ये क्या रेट पड़ेगा? ये रतन जोत है, ये पड़ेगा आपको 200 रुपए किलो पड़ेगा हमारे यहाँ। 200 रुपए किलो। और भैया जी काली मिर्ची? काली मिर्च हर जगह का रेट है 700-800, लेकिन हमारे यहाँ का पड़ेगा 500 रुपए किलो पड़ेगा। 500 रुपए। और लौंग भैया जी? लौंग पड़ेगा आपको 950 रुपए किलो पड़ेगा। 950 रुपए। और भैया ये क्या चीज़ है? ये जावित्री फूल है। ये हर जगह का प्राइस है 3,000-2500 रुपए किलो, लेकिन हमारे यहाँ पड़ेगा आपको 1500 रुपए किलो, जो रेट का फिक्स रेट 1500 रुपए किलो। और भैया ये जीरा ही? हाँ जीरा है। ये क्या रेट देंगे? जीरा आपको मिलेगा यहाँ पे 300 रुपए किलो मिल जाएगा। 300 रुपए किलो। और भैया ये स्टार फूल? ये स्टार फूल आपको मिलेगा लास्ट बढ़िया से आपको 900 रुपए किलो मिलेगा। 900 रुपए। और भैया छोटी इलायची? छोटी इलायची देखो अभी भाव में तो रेट बढ़ा है, लेकिन हमारे यहाँ आपको 2000 रुपए किलो मिल जाएंगे। 2000 रुपए किलो, बहुत बढ़िया। और भैया जी सौंफ?
सोप आपको मिल जाएंगे 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो भैया, ये क्या है? कबाब चीनी है। कबाब चीनी का रेट पड़ेगी? कबाब चीनी आपको पड़ जाएंगे 1200 रुपये किलो। 1200 रुपये किलो भैया जी, ये चाय पत्ती है? नहीं। हाँ, चाय पत्ती। चाय पत्ती का रेट देंगे? चाय पत्ती का 50 रुपये पाव है, 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। और भैया जी, ये क्या चीज़ है? मेथी दाना है। मेथी दाना का रेट देंगे? 80 रुपये किलो है हमारे यहाँ। 80 रुपये किलो, बहुत बढ़िया। और भैया जी, ये क्या चीज़ है? अजवाइन है। अजवाइन का रेट देंगे? अजवाइन आपको पड़ेगा 150 रुपये किलो। 150। ये सरसों? सरसों आपको पड़ेगा 80 रुपये किलो है। हाँ। ये भी सरसों 80 रुपये किलो। पीली सरसों 80 रुपये। हाँ। अभी ये क्या चीज़ है? राई? पोस्ता दाना है, इसे पोस्ता दाना बोलते हैं। पोस्ता दाना सगर देखो 2000 रुपये किलो, लेकिन हमारे यहाँ 1500 रुपये किलो मिलते हैं। 1500 रुपये किलो। अभी ये क्या चीज़ है? ये साई जीरा है। साई जीरा मतलब पुलाव बिरयानी उरयानी में डालो। हमारे यहाँ पर प्राइस है 300 रुपये किलो है, जो जीरा का भाव उसी तरह इसका भाव चल। अरे वाह भाई वाह। तो भैया, इस तरह के यहाँ पे मसालों के भाव हैं, ये हमारे भाई हैं। भाई, आपका नाम क्या रहेगा? मेरा नाम है सुधीर दास। सुधीर, अपना विजिटिंग कार्ड दिखाएं। तो भाई का मैं अपना विजिटिंग कार्ड दिखाया था भाई का, आप आ सकते हैं और अपनी सूझबूझ अपनी समझदारी से आप एक अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे सारे चीज़ होलसेल का रेट मिल जाएगा। ये भाई साहब होलसेल रेट मिल जाएगा आपको, पाव पाव आधी किलो, एक किलो, जितना भी माल चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगा। ये भाई का एड्रेस है, पूरा एड्रेस आपको दिख रहा होगा, आप आ सकते हैं, अपनी सूझबूझ अपनी समझदारी से आप एक अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। तो चलो, सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स नहीं, सारे मिल जाएंगे, सब मिलते हैं। बगल की दुकान है, वो भी ड्राई फ्रूट के हैं। तो चलो, अच्छा लगा भाई से मिलके, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो भाई, यहाँ चलते हैं। यहाँ भैया मुझे मैक्रोनी देखने मिली, ठीक है, पास्ता, और ये भैया इसको क्या बोलते हैं? सेमिया, सेमिया और पास्ता, इस तरह की आइटमें देखने मिली, ठीक है। और ये देखो, ये पापड़ भी देखने मिला। भैया पता करते हैं, भैया किस किस प्राइस से शुरुआत हो जाती है इनकी? 60 रुपये किलो है, ये 50 रुपये किलो। ये 60 रुपये किलो है, ठीक है। इसको पास्ता बोलते हैं। और ये मकरोनी मिलेगी हमें 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो मकरोनी है और पास्ता 60 रुपये। और भैया जी, ये सेमिया, ये कितनी पड़ेगी? 60 रुपये। भैया देख सकते हैं, ये देखो, ये भी सेमिया है, ये भी 60 रुपये किलो पड़ेगी, ठीक है। इस तरह की भुना हुआ है, भुना हुआ सेमिया, बहुत ही बढ़िया। और ये वाली सेमिया भैया जी, ये 50 रुपये पड़ेगी, ठीक है। भैया ये वाला पास्ता, ये 50 रुपये, 50 रुपये, ये भी 50 रुपये, ठीक है। और भैया जी, ये जो है, ये पाइप जो है पापड़ वाला, 40 रुपये। तो भैया 40 रुपये ये पाइप है, ठीक है। और ये भैया बिल्कुल चौक पे बैठे, ठीक है। आप आएंगे तो महारानी अमितका भाई का बिल्कुल चौक जो है, भैया बिल्कुल वहाँ बैठे, बीचों बीच। अच्छा लगा भाई से मिलके। भैया जी, आपका नाम क्या रहेगा? रवि। रवि हमारे भाई हैं जो कि इस तरह का आइटम बेच रहे हैं। अच्छा लगा, और देखते हैं हमें यहाँ पे और क्या खास देखने मिलता है इस मार्केट के अंदर। तो भाई, हमें यहाँ पर इस तरह काला नमक भी देखने को मिला, ठीक है। काला नमक पता करते हैं किस किस मधे क्या रेट पड़ेगा? 80 रुपये किलो। तो ये काला नमक जो है 80 रुपये किलो पड़ेगा। और ये जो चाय पत्ती है, ये 70 रुपये पाव है। और ये वाला 80 का पाव। और ये तेज पत्ता माता जी, 300 रुपये किलो। ये 1 किलो ही बहुत सारा हो जाता है मेरे ख्याल से, ये खुद 2 किलो होगा, ये 1 किलो भी बहुत सारा हो जाता है। 300 रुपये किलो बताया ना आपने, 300 रुपये। और ये गरम मसाला माता जी, 250 रुपये किलो। और ये वाला 400 रुपये। तो मैं तो यहाँ रुका था काले नमक की वजह से, मुझे कि बहुत यूनिक चीज़ लगी। तो भाई, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और अपना प्यार सदैव वैसे ही बनाए रखना। तो चलो, मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे। जब तक के लिए, हर हर महादेव।